ओए अफजल की क्या औकात है जो मुझसे बढ़ के बोली लगाता है। मुबारक हो बेगम, ये प्लाट भी हमने खरीद लिया है। अच्छा चलो मैं रिक्शे में बैठा हूँ, थोड़ी देर में लाहौर के लिए निकल आऊंगा, ठीक है? अल्लाह। अजय अम्मा जी, आपका स्टाफ आ गया, जज वाली पुलिस किराया दे दे। माई अंधी हो गई है और नजर नहीं आता, मेरी इतनी कीमती कमीज बर्बाद कर दी तूने। माफ करना साहब जी, ढक्कन खुला रह गया था। ओए अब जा किधर रही है? मेरा नुकसान किसने पूरा करना है? जब तक तू मेरे कपड़ों के पैसे नहीं दे देती असूली तौर पे, ना तू यहाँ से जा सकती है ना हिल सकती है, समझी? साहब जी, मैं गरीब औरत हूँ, मैंने जानबूझ के आपकी कमीज पे तेल नहीं गिराया, मुझ पे रहम करें, मुझे जाने दे। जाने दे भाई साहब, गरीब औरत है, बुढ़िया, गलती हो गई, माफी दे दे। ले माफी दे दे, और तू इसका मेहती बन रहा है, तो इसकी जगह आके पैसे तू भर दे। बातें करते हैं। कितने पैसे हैं आपकी कमीज के? 5,000 रुपया है। इतने ज्यादा? अरे अभी सिलाई के पैसे नहीं डाले, अर्जेंट सिलवाया था, कपड़ा भी सऊदीया का है। लेकिन साहब जी, मैं तो बेवा औरत हूँ, मेरे पास 5,000 कहाँ से आएंगे? मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझ पे रहम करो, मुझे यूं रुसवा ना करो। ओ भाड़ में जा तू और तेरी इज्जत, जब तक मेरे नुकसान के पैसे नहीं आते तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। बैठ जा इधर, फोन करके पैसे मंगवा कहीं से, जाहल गरीब बुढ़िया। और रुके भाई साहब, ये ले अपनी कमीज के पैसे। चल ठीक है माई जा, चल भाई चले। किधर चलो? रुके माँ जी, जरा अभी हिसाब बाकी है। क्या मतलब? हमने आपको कमीज के पैसे दिए हैं ना? हाँ। तो कमीज किधर है? वो किस लिए? भाई हमने आपको आपकी कमीज के पैसे दे दिए हैं, अब असूली तौर पे ये कमीज हमारी है, हमें कमीज दें और चले जाएं। बाबा बाता, तो मैं घर नंगा जाऊं? इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। और अगर मैं कमीज ना दूं तो? तो फिर इसका एक ही हल है, कमीज की कीमत दें और चले जाएं। चलो ये लो। 5,000 नहीं भाई साहब, अब ये कमीज हमारी है और इसकी कीमत भी हम ही मांगेंगे। तो कितने लेने हैं तूने? 10,000 रुपये। ये तो डबल मांग रहे हो। अभी सिलाई के पैसे नहीं डाले, अर्जेंट सिलाई थी और कपड़ा भी सऊदी अरब से आया था, अब यहां तो इसकी कीमत दो या कमीज देकर चले जाओ। अच्छा तो तुम मुझे रुसवा करना चाहते हो? तो जब तुम इस बुढ़िया को रुसवा कर रहे थे तब? ये जुल्म और ज्यादती है। वैसे कमाल है, खुद पे आई तो जुल्म और ज्यादती लगने लगी। चले बैठे जनाब, चले अब। और नहीं भाई मनूसा, तू तेरे रिक्शे पे नहीं जाना, चल। ये ले माँ जी पैसे, इस बादखलाक और मगरूर शख्स को सबक मिल चुका होगा, उम्मीद है आइंदा ये किसी को ऐसे रुसवा नहीं करेगा। ये ले माँ जी। बेटा तो अपना 5,000 तो रख लेते। माँ जी मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, तो ये मेरी तरफ से आप छोटा सा गिफ्ट समझ कर रखते हैं। रख ले माँ जी। जीता रब सदा खुश रहे। हमारे यहाँ अक्सरियत का यही हाल है ना, हमें दूसरों की तकलीफ और अजियत से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन बात जब खुद पे आती है तो जुल्म महसूस होता है। अगर माशरती तौर पे हम दूसरों की दुख और तकलीफ को अपना समझना शुरू कर दें तो हमारा बेहतरीन कौमों में शुमार होगा।